अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम द स्टार्ट राइट फ्रॉम द वर्ड गो लगा के मुकाबले के लिए आई है। हिंदुस्तान के किसी बैट्समैन ने सेल्फिश नहीं खेला, किसी भी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए खेले, और ये बड़ा क्लियर मैसेज नजर आ रहा था ड्रेसिंग रूम की जानब से कि भाई साहब ये हमने मैच जीतना है, हमने प्रूव करना है कि इंडिया इज अ बेटर साइड देन फास्ट। 3 ओवर में 50 मजाक है ये क्या चल रहा है, ये इतना कौन मारता है यार, ये कोई तरीका कार है इस तरह की धुलाई का? 3 ओवर में 50 ये T20 चल रहा है या T10 चल रहा है या टेस्ट चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या मैच क्या चल रहा है 3 ओवरों में 50? ओए होए होए यार ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, ये किस प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है भाई, मुझे आप बताएं, ये टेस्ट क्रिकेट है, T20 है, वनडे है, ये हो क्या रहा है, ये जायसवाल और रोहित शर्मा क्या खा के आते हैं और ये क्या बुलाए हैं, और भारतीय टीम क्यों खड़ी होगी और इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने, इसकी एक ही वजह है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इस टीम के, इस टीम में टैलेंट है, इस टीम में जो ईगो है, इस टीम की एक रेपुटेशन है, इस टीम में अकल है, इस टीम का ग्रेट थिंक टैंक है। What a brilliant form of cricket that India has put today in front of the entire world. और इंग्लैंड को भी लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कौन सी बैस बॉल, कौन सा बॉल, कौन सा बॉल, ये है भाई साहब क्रिकेट, ये इतना बुरा फेटा, इतना बुरा फेटा, तोबा तोबा तोबा, सवाब की तरह मारा। दुख हो रहा है कि हम इस टीम से 2-0 से हार गए, इंडिया ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया, और जब तक रोहित शर्मा खेले थे ये टेस्ट मैच नहीं था, T10 का मैच था 10 ओवर का, और फिर हम सबके मुंह के ऊपर तमाशा आना है कि हम जिसको कहते हैं ना 5-5 दिन के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, और उन्होंने 2 दिन के अंदर बांग्लादेश को टेस्ट मैच हरा दिया। T20 क्रिकेट नहीं है, ये डेमोलिशन है, ये तबाही और बर्बादी है, ये बैट बॉल नहीं है, इंडिया बॉल है, ये इंडिया ने वो दिखा दिया क्रिकेट जो बैट बॉल भी नहीं खेल सकता। Hats off जी, इस तरह की हिटिंग, फैबुलस किस्म की इंटेंट के साथ, रोहित शर्मा द कैप्टन एंड जायसवाल, व्हाट अ क्रिकेटर ही इज, फेयरनेस ये होता है टीम के लिए। T20 का मजा दे रहा है आपको टेस्ट क्रिकेट में, 50-18 गेंदों पे जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज के बाद का तो पता नहीं, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो 50 है वो 18 गेंदों पे किया हो, आज तक नहीं हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और फिर 100 जो है 61 गेंदों पे, ये इंडिया के पास ही रिकॉर्ड था, 74 गेंदों पे पहले 100 किया हुआ, कमाल है भाई, कमाल है, हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, टू देयर कैप्टन, कि जो इंटेंशन दिखाई है कि जी हाँ हम इस मैच से भी रिजल्ट निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे, ये है तरीकाकार बैटिंग का, ये होती है इंटेंशन। और बांग्लादेश के क्रिकेट फैन, उनको भी पता चल गया कि टीम बेशक पाकिस्तान में जीत के आई है, बट वी नो वेयर डू वी स्टैंड, और पाकिस्तान वाले जो क्रिकेट फैन है वो बेचारे और दिल में हसरत लेके ठंडी ठार कि ये हमारी टीम पे बड़ा करके हुआ है, बांग्लादेश तो वैसे ही जैसे खेल रही है, और इंडिया के क्रिकेट फैंस उनको भी बड़ा इंतजार था कि हाँ एक दफा आ जाओ खुशबू लगा के, आ जाओ जरा बड़ा मतलब जीत जिता के आ गए हो हमारे वतन में, आ जाओ जरा एक दफा हमारे मुल्क में, हम बताएंगे आपको क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो है कि नहीं ये क्रिकेटिंग लेसन, ये पकड़ के क्रिकेटिंग लेसन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फास्ट 3 ओवरों में 50 मजाक है ये क्या चल रहा है, ये इतना कौन मारता है यार, ये कोई तरीका कार है इस तरह की धुलाई का? 3 ओवरों में 50 ये T20 चल रहा है या T10 चल रहा है या टेस्ट चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या मैच क्या चल रहा है 3 ओवरों में 50? ओए होए होए होए, और फिर 10 ओवरों में 100 कर दिया, तो ये तो भाई साहब T20 वाला पहले T10 के हिसाब से 3 ओवरों में 50, और फिर अगली जो बारी है वो T20 वाला 10 ओवरों में 100, वो भी अच्छी टीमें करती है 10 ओवरों में 100, T20 में भी 10 में 100, हमसे तो नहीं होता, तो अभी पता चल गया कि हाँ जी वेयर डू वी स्टैंड। Hats off जी, इस तरह की हिटिंग, फैबुलस किस्म की इंटेंट के साथ, रोहित शर्मा द कैप्टन एंड जायसवाल, व्हाट अ क्रिकेटर ही इज, फेयरनेस ये होता है टीम के लिए खेलना, तो मैच में इस तरह की धुलाई, ऐसी धुलाई, ओहो अनबिलीवेबल, ये भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में हमने ये दिन देखने थे कि टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की धुलाई, ओहो हो अनबिलीवेबल किस्म की हिटिंग, हर ओवर में 9-10 9-10 6-6 7-7 फील्डर, ये T20 में नहीं लगाते, T20 में तो चलो फिर भी कंपल्शन होती है ना कि दायरे के अंदर आपने 4 फील्डर तो डाल ही डालने, तो यहाँ पे तो है भी नहीं वो 7-7 फील्डर, 7-7 फील्डर जो हैं वो शुरू के ही ओवर है, 5-7 ओवर है, सारे के सारे बिल्कुल दीवार पे लगे हुए हैं, सारे के सारे बाउंड्रीज के साथ लगे हुए हैं, क्या जी यहाँ पे जो आप बाउंड्री पे खड़े हो जाए किसी ना किसी तरीके से चौके बचाओ, 18 गेंदों में 50, ये इंडिया का अक्रॉस द फॉर्मेट फास्टेस्ट है, T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कभी, T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कि 3 ओवरों में 50 रन हो जाए, वनडे T20 को तो छोड़ो, वो रिकॉर्ड टेस्ट में करके दिखा दिया ना, T20 में ना वनडे में रिकॉर्ड करने पे, तो 3 ओवरों में 50 रन, तो जो इंग्लैंड वाले कहते हैं जी हमें देख के दूसरी टीमों ने भी तेज खेलना शुरू कर दिया, तो आपको देख के नहीं, टीम की जब जरूरत है तब उस तरह खेलने को कहते हैं कि जनाब आपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खेला, रफ्तार जो रन किया वो नहीं रुक रही, इतनी शानदार और बेहतरीन किस्म का इंटेंट हमें तो याद नहीं है कभी देखा हो, याद भी हुआ ही नहीं है जो पहले कभी काम, तो फिर देखा कहां होना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये पहली दफा ये काम हो रहे हैं, ये 3 ओवरों में 50, ये 60 गेंदों में 100, ये टेस्ट में की बात हो रही है भाई जन, टेस्ट की, जी हाँ, तो इस तरह की कमाल की बैटिंग, ओहो हो अनबिलीवेबल, धुएं निकाल के रख दिए यार, ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, ये किस प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है भाई, मुझे आप बताएं,
ये टेस्ट क्रिकेट है, टी ट्वेंटी है, वन डे है, ये हो क्या रहा है? ये जायसवाल और रोहित शर्मा क्या खा के आते हैं? और ये क्या बुलाए हैं? तीन ओवर में 50 कर देते हैं, 10 ओवर में 100 कर देते हैं, 12 ओवर में 120 कर देते हैं। इन्हें ना डर लगता है, ना खौफ लगता है। और ये किस प्लेनेट के हैं? और कहां से लाए हो भैये? और कहां से लाए हो इंडिया वालों? तौबा 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 तौबा, ऐसी क्रिकेट कभी देखी नहीं। कितने रन? 23 रन। बॉले कितनी है? 10-11 बॉले। छक्के कितने हैं? 3। कौन है? रोहित शर्मा। सेल्फलेस, कोई जाती एम्बिशन नहीं, कोई पर्सनल ईगो नहीं, कोई पर्सनल मैं नहीं, सिर्फ टीम 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 टीम, मुल्क। लोग तो कह रहे थे कि भाईजान ये तो ड्रा हो जाएगा, ये तो फर्क मैच है, इस मैच का तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, ओनली वन वे। ये क्या हो रहा? तौबा तौबा, नागन तो इस वक्त छटपटा गई, ये तो नागन का वो काम हो गया कि अब मैं क्या लव्ज यूज करूं। तौबा 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 तौबा, इतना कोई मारता है यार, इतना कोई जुल्म करता है मेहमानों के साथ? इतना जुल्म नहीं होना चाहिए भाई, इतना नहीं मारना चाहिए। ये तो दुम्बे की तरह मार मार दे मार 4.5। रोहित शर्मा ने जान छोड़ा, जायसवाल ने पकड़ लिया, जायसवाल ने जान छोड़ा, गिल ने पकड़ लिया। इंडिया किसी और ही प्लेनेट पे है, इंडिया कोई और ही क्रिकेट खेल रहा है। ये टेस्ट क्रिकेट, वनडे, टी20 क्रिकेट नहीं है, ये डेमोलिशन है, ये तबाही और बर्बादी है। ये बैट बॉल नहीं है, इंडिया बॉल है। ये इंडिया ने वो दिखा दिया क्रिकेट जो बैट बॉल भी नहीं खेल सकता। 233 इतने कम रन नहीं थे, जिस तरह इंडिया ने इनकी धज्जियां उड़ा दिया, टोटे टोटे कर दिया नागन को डिफरेंट पीसेस में। कभी याद पड़ता है आपको, कभी इस तरह की क्रिकेट आपने अपनी जिंदगी में देखी है? ओए इस तरह कोई मारता है? ओए होए होए होए, बाहर निकल के छक्के चौके। और जिस तरह की बारी ली है, इतनी सा कैमियो है रोहित शर्मा का, लेकिन सेट द टोन भाई साहब, मजे करा दिए भाई साहब, मजे करा दिए। ये क्या रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, इंटेंट क्लियर है टीम इंडिया की, इसलिए तो टीम इंडिया की इतनी तारीफ की जाती है, क्योंकि दे प्ले विद देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, दे प्ले फॉर देयर नेशन। रोहित शर्मा का जो सेल्फलेस एटीट्यूड है वो पूरी टीम में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कप्तान इस तरह लीड करे और कप्तान इतना सेल्फलेस होकर खेले कि वो अपनी विकेट का ना सोचे। मुबारक हो भाई साहब, इंडिया ने आज फास्टेस्ट टीम 50 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, पाकिस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी रिएक्शन में देखा, आज जो है भारत ने जो है बांग्लादेश को बुरी तरह हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि टेस्ट मैचेस में जो है बांग्लादेश कितनी ज़्यादा धुलाई की है कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है इंडियन टीम्स की तारीफ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, भारतीय टीम ने जो है आज बल्लेबाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दोस्तों पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस खबर सुन सुनकर पागल हो जा रहा है। जैसा कि भी आपने रिएक्शन देखा, यदि दोस्तों आपको यह रिएक्शन पसंद आया तो रिएक्शन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि दोस्तों आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ऐसी रिएक्शन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।